का जो कलर है उसको अवॉइड कर दूँ, वो डे मेकअप बोल करके आता है, मुझे बहुत प्यारा लगता है। शूट कर रही हूँ क्योंकि उसके बाद उससे पहले मैं थोड़ा सा आई मेकअप हो चुका था और मेकअप सेटल नहीं था तो थोड़ा सा डाउन लग रही थी मैं। मैंने सोचा स्टार्टिंग को जो मेरा इंट्रो शूट करना है वो मेकअप करने के बाद मैं शूट करूँगी। सो आपको नेक्स्ट क्लिप मिलेगी जो मैंने ये मेकअप कैसे किया है और इतना सेटल मेकअप भी कैसे दिख रहा है वो आपको आगे दिखेगा क्योंकि वो आगे ही वीडियो है, ये मेकअप करने के बाद मैंने इंट्रो वीडियो शूट किया है। सो अगर आपको आपने कर मेरा आई मेकअप ये आई सेटल मेकअप कैसा लग रहा है आपको, अगर ये वीडियो भी देखनी तो आप पीछे जाके देख सकते हो, आई मेकअप भी आ चुका है। और ये वीडियो मेरा मेकअप पूरा फुल वीडियो अकॉर्डिंग टू दिस ड्रेस, मतलब अकॉर्डिंग टू दिस टॉप, इस टॉप के अकॉर्डिंग जो मेकअप सेटल हो रहा था वो मैंने किया है। मैंने कोई मेकअप वीडियो इस प्रॉपर पे नहीं बनाई कि मुझे मेकअप सिखाना है, मैंने बस जस्ट कैजुअल मेकअप किया है कि आप डेली बेसिस पे ऑफिस जाने के लिए या फिर आप कहीं भी ऐसे चिल करने के लिए बर्थडे पार्टीज या फिर आप कहीं शॉपिंग वगैरह जाते हो तो देन आप कैसे मेकअप करो उसके अकॉर्डिंग ये मेकअप है, क्योंकि ये मैंने नॉर्मल टॉप वेयर किया उसके अकॉर्डिंग मैंने मेकअप किया है। सो मेक श्योर आप पूरी वीडियो देखना और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, आप लोग आगे जाके देखो कि ये मेकअप कैसे क्रिएट हुआ है। एवरीवन आप लोगों ने लास्ट वीडियो देख ली होगी मेरी आई मेकअप की कि मैंने कैसे आई मेकअप क्रिएट किया है, बहुत लाइट आई शटल आई मेकअप, बहुत लाइट और बहुत शटल आई मेकअप है, थोड़े से कलर्स भी हैं इसमें बट बिल्कुल भी विजिबल नहीं है ज़्यादा, हल्का सा सारी कलर्स हैं इसमें बट हल्का सा थोड़ा सा न्यूड लग रहा है और टॉप पे प्रॉपर जा रहा है, फोटोज़ में बहुत प्यारा लगेगा। वीडियोज़ में अच्छे से विजिबल है कि नहीं मैंने बोल सकती बट आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा तो प्रॉपर विजिबल होकर दिख रहा होगा कि कैसा लग रहा है क्योंकि फोटोज़ में क्लियर पाता है। सो स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो और अपने प्रॉपर मेकअप क्रिएट करते हैं अच्छे से और रेडी होके आते हैं फिर देखते हैं कैसे लगते हैं, क्योंकि जाना है यार शॉपिंग करने तो फिर कुछ तो अच्छा भी देखना चाहिए। सो मेरा आई मेकअप कंप्लीट हो गया तो उसके बाद मैं करूँगी वाइप्स। पूरी वीडियो तो एक ही साथ शूट हुई है बट आप लोगों को पार्ट में दिख रही है वीडियो लंबी हो जाने के चक्कर में। ओके मैं प्रॉपर फिर से पूरी तरीके से अपने वाइब से अपने हर चीज़ अच्छे से पोस्ट लूँगी क्योंकि आई मेकअप करूँ ना तो फिर देखो ना कुछ गिर जाता है, इसी वजह से आई मेकअप पहले किया जाता है। जो आई शेडो होता है ना वो हल्का सा वो पाउडर बेस में होता है तो फिर गिर जाता है, इस वजह से लोग आई मेकअप पहले प्रेफर करते हैं करना जिससे आपके मेकअप पे बिल्कुल भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स ना लगे और कुछ भी एक्स्ट्रा ना दिखे। इस वजह से प्रॉपर आपने अच्छे से वाइज ये जज मत करना कि ये कैसा मेकअप है, ये कैसा किस तरीके का क्या है, क्योंकि आप जब किस तरीके की चीज़ें वेयर कर रहे हो उसी अकॉर्डिंग आपको मेकअप करना चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है क्योंकि मैं उसी तरीके से प्रॉपर मेकअप करती हूँ जिस तरीके से मैं अपने अपने क्लॉथ्स वेयर किए होते हैं। सो लेट गेट स्टार्टेड दिस वीडियो। और आप अगर नॉर्मल टॉप या कॉटन बेस टॉप वेयर कर रहे हो तो आप इस तरीके के मेकअप के साथ जा सकते हो। सो ये मेरा ब्रांड मेबलिन का, मैं मोस्ट ऑफ द मेरे प्रोडक्ट्स जो है ना सारे मेबलिन के हैं क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। मेबलिन के प्रोडक्ट बहुत सेटल्ड रहते हैं, बहुत इजी वे में मिल जाते हैं और बहुत अफोर्डेबल प्राइस में, मुझे इसीलिए इसके प्रोडक्ट सारे बहुत अच्छे लगते हैं, वर्क भी बहुत करते अच्छा करते हैं और लॉन्ग लास्टिंग सारे प्रोडक्ट्स हैं, इस वजह से मैं मोस्ट ऑफ द टाइम मेबलिन को ही प्रेफर करती हूँ। तो ये मेरा मेबलिन का प्राइमर है जो कि शाइनर प्राइमर है, बहुत लाइट वेटेड में लगाना है, मुझे बहुत लाइट लगाना है, ड्यूई स्मूथ नॉर्मल है, बहुत अच्छा ये प्राइमर है, बहुत क्योंकि इसमें हल्का सा शाइन है इसलिए मुझे बहुत पसंद है। और इसको हल्का सा मुझे लगाना है अपने फेस पे कुछ एरियाज में जहाँ पे वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स और कुछ ओपन पोर्स और होते हैं। सो मैं मेक श्योर करती हूँ कि मैं पूरी ही स्किन में अच्छे से लगा लूँ जहाँ भी थोड़ा बहुत वो हो, धोखे से अपनी फिंगर्स को ना आईज पे मत ले जाना जिससे जितना मेकअप किया वो भी हो जाए। सो हो गया प्राइमर, 5 मिनट का मैं वेट करूँगी उसके बाद मैं लगाऊंगी अपना मॉइस्चराइजर, सॉरी मॉइस्चराइजर नहीं फाउंडेशन, मतलब नॉर्मल फाउंडेशन क्योंकि मैं एक ही लेयर में अपना मेकअप करने वाली हूँ, ज़्यादा लेयर्स में नहीं करूँगी मैं अपना मेकअप जिससे थोड़ा सा हैवी ना लगे, टॉप के अकॉर्डिंग जो जाएगा वो मैं लाइट मेकअप ही करूँगी। सो ये मेरी होती है प्रॉपर एक्सरसाइज प्राइमर करने के बाद अपनी स्किन को। हल्का सा आप जब एक्सरसाइज कर लेते हो तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से हो जाता है और आपकी स्किन में हर चीज अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाती है। ओके
वैसे फेशियल योगा की सबसे ज्यादा वायरल वीडियो किसकी थी? अगर देखी है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताना। मलाइका की थी। हाँ मलाइका की थी, मलाइका की बहुत बहुत ज्यादा वायरल हुई थी योगा फेशियल योगा वायरल वीडियो। बहुत आप लोग देखना, बहुत अच्छी। मैं भी बहुत जल्दी इस पे एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी, जो फेशियल योगा की टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं वो मैं बहुत जल्दी बनाऊंगी उस पे एक वीडियो, जिससे आप लोग भी अच्छे से अपने फेस को ब्लड सर्कुलेशन अच्छा कर सको। सो स्टार्ट करते हैं। डैप डैप पोजिशन में अपना फाउंडेशन लगाऊंगी बहुत कम अमाउंट में, उसी को अच्छे से मर्ज करूंगी उतने में ही। ओके डन हो गया हमारा ये फाउंडेशन, मतलब डैप डैप पोजिशन में। अब मैं इसको ब्यूटी ब्लेंडर के थ्रू, अब मेक श्योर करना कि आप हमेशा इसको हल्का सा डैप पोजिशन में, जहाँ आपको मेकअप करना हो उसके हाफ आवर्स या 1 घंटे पहले, मिनिमम 1 घंटे पहले इसको डैप करके रख दो अच्छे से, जिससे ये अच्छे से देखो सॉफ्ट हो जाए, प्रॉपर तरीके से ब्लेंड हो रहा है ये। जिससे आप अगर तुरंत इसको वेट करोगे ना तो फिर ये बहुत गीला गीला रहेगा, इसलिए 1 घंटे पहले इसको वेट करके रख दो, जिससे ये अच्छे से प्रॉपर तरीके से हल्का सा ड्राई हो जाए और हल्का सा मेल्ट रहे। ओके तो स्टार्ट करते हैं। सोच रहा हूँ कि आई मेकअप में काजल कहाँ गया, काजल अवॉइड किया मैंने, क्योंकि मैं डे मेकअप में हमेशा काजल का अवॉइड ही करती हूँ। मुझे काजल बहुत ज़्यादा नहीं पसंद है, बहुत लोगों को अच्छा लगता है, तो लोग डेली बेसिस में भी काजल लगाते हैं, बट मुझे काजल बहुत ज़्यादा नहीं अच्छा लगता है। सो मैं डेली बेसिस में काजल अवॉइड करती हूँ। मैं नाइट में काजल घर का बना हुआ मम्मा बनाती हूँ वो मैं लगाती हूँ, और मार्केट का जो काजल है मैं उसको अवॉइड करती हूँ डे मेकअप में प्रॉपर तरीके से, जिससे मुझे, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पसंद है काजल लगाना डे में, क्योंकि फिर अगर आई थोड़ा सा अगर स्वेटिंग होने लगती है ना, फिर वो नीचे वाले जब एरियाज में आ जाता है ना, फिर वो मुझे बहुत गंदा लगता है। इस वजह से मैं डे में उसको अवॉइड करती हूँ। इसलिए मेरे आई मेकअप में आप लोग देखोगे काजल नहीं रहेगा, मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं रहेगा। मैं काजल को अवॉइड करती हूँ क्योंकि मुझे काजल बहुत ज़्यादा नहीं पसंद है। मुझे व्हाइट काजल पसंद है, अगर मुझे कोई पैसा मेकअप करना होता तो मैं व्हाइट काजल प्रेफर करती हूँ, मुझे व्हाइट काजल बहुत पसंद है। आपको अपनी नेक तक लेके आना, वरना आपका नेक अलग लगने लगेगा और आपका फेस अलग दिखेगा। पूरे पूरे उसमें स्किन में कवर करना, आपके ईयर और ओके बहुत हल्के हाथों से डैप डैप करना है, बहुत तेज तेज ऐसे ऐसे नहीं करना, प्रोडक्ट चला जाएगा। ऐसे ऐसे करोगे तो प्रोडक्ट चला जाएगा, देखो प्रोडक्ट आ गया ठीक है। अगर आप ऐसे ऐसे कसके करोगे तो प्रोडक्ट आ जाएगा। बहुत हल्के हाथों से डैप डैप करना है, जैसे प्रोडक्ट नहीं है वो अच्छे से आपकी स्किन, मतलब देखो आप नेक और मेरी स्किन प्रॉपर तरीके से मैच हो रही है और ईयर भी। सो आपको प्योर पूरी तरीके से आपके हर स्किन हर पार्ट में लगाना है, जिससे कुछ भी डिफरेंट ना दिखे। आपका फेस, आपके ईयर, आपका नेक एरिया, जितना भी ओपन है, जितना भी दिख रहा है, उसमें पूरी तरीके से लगाना है, जिससे कुछ भी अलग से ना दिखे। सो ये हो गया मेरा फाउंडेशन डन। अब मैं हल्का सा वो लगाऊंगी अपना पाउडर, जो कि होता है हमारा ये हमारा प्रॉपर पाउडर है, लूज पाउडर। ये हमारे हल्का सा स्वेटिंग को रोकता है और थोड़ा सा वो कर देता है कि फेस, मतलब फाउंडेशन को पूरी तरीके से लॉक कर देता है, लॉक करने का काम करता है। सो मैं इसको जरूर लगाती हूँ, जिससे मेरा फाउंडेशन जो है ना अच्छे से लॉक हो जाए। और लोग इसको बहुत बहुत तरीके से यूज़ करते हैं, बट मैं हमेशा इसको ब्रश से ही यूज़ करती हूँ। मैं ब्रश ढूंढ रही थी, मेरा ब्रश वो कहाँ गया। हाँ मैं हमेशा ब्रश से ही यूज़ करती हूँ, ज़्यादा लोशन नहीं मारती मैं। कि हल्का सा उसका छोटा सा पफ आता है, पीएसी का ले लो या फिर किसी भी ब्रांड का ले लो, आप उससे से धीरे धीरे से कर सकते हो, पर मुझे इतनी जल्दी रहती है सो मैं ब्रश ही यूज करती हूँ। कुछ एरियाज में बहुत जरूरी होता लगाना, जिससे जहाँ पे स्वेटिंग ज्यादा आती है, मुझे जहाँ पे स्वेटिंग ज्यादा आती है, आपको जहाँ पे आती है स्वेटिंग ज्यादा, आप वहां लगा सकते हो। और इसको लगा के थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ देना है, क्योंकि लैक्मे और नॉर्मल प्रोडक्ट्स के रेंज लगभग सेम है और वो बिल्कुल भी उस तरीके से वर्क नहीं करता जैसे हमारा मैबलिन या फिर कोई। मुझे उस लैक्मे तो सही तो सिस ब्यूटी लगता है भाई, सिस ब्यूटी भी उससे अच्छा वर्क करता है, लैक्मे से ज़्यादा अच्छा। पता नहीं भाई लैक्मे क्यों यू लोग यूज़ करते हैं और क्यों लैक्मे अपने इस चीज़ पर वर्क नहीं कर रहे हैं, कि उसके प्रोडक्ट्स मुझे नहीं पसंद। बेसिकली किसी को पसंद हो सकता है बट मुझे नहीं पसंद है पर्सनली। ओके मैं लगाऊंगी अब अपना ब्लश। मैं सोच रही हूँ लिक्विड ब्लश बताऊँ या फिर पाउडर ब्लश बताऊँ, अभी तो मैं पाउडर ब्रश ही लगाने जा रही हूँ, क्योंकि मेक श्योर गर्मी है। मैं दोनों एक बार में ऐसा करूँगी, जब मैं प्रॉपर मेकअप वीडियो बनाऊंगी दूसरा, तो एक तरफ लिक्विड ब्लश यूज़ करूंगी और एक तरफ पाउडर ब्लश यूज करूंगी। वो आप वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि उसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि लूज नॉर्मल जो ये लिक्विड वाले हमारे होते हैं, लिक्विड वाला जो ये हमारा होता है
जो मैंने इसकी वीडियो बनाई है कौन सा बेस्ट है, बट जो हमारा लिक्विड ब्लश होता है ना वो कैसे यूज करना, और पाउडर ब्लश कैसे यूज करना, कितने एरिया में यूज करना, ये कितने एरिया में यूज करना, वो कितने एरिया में यूज करना है, सो वो इसका वीडियो प्रॉपर मैं बाद में बना दूंगी। प्रॉपर लंबी वीडियो आएगी उसकी कि दोनों, एक साइड में पाउडर यूज करूंगी, एक साइड में ये लिक्विड वाला यूज करूंगी, तो आप डिटेल में समझ पाओगे। अभी तो फिलहाल मैं पाउडर ब्रश यूज करने जा रही हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा बाहर भी रहना है, मतलब मार्केट में, मार्केट एरियाज में रहना है, जिससे वो लिक्विड ब्लश जो ही होता है ना कि मतलब थोड़ा सा ज्यादा लगने लग जाता है, अच्छा लगता है, ग्लो मारता है, तो फिर डे में ना थोड़ा सा वो हाइप लगने लग जाता है, मतलब ऐसा लगता है कि बहुत मेकअप किया है, सो इसलिए मैं थोड़ा सा पाउडर ब्लश यूज करना। ब्लश का अपना अलग ही मजा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ब्लश यूज करना, और ये जो बाद में जो ये हाईलाइट होके ये जो निकल के आते हैं ना, मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। मैंने सारा मेकओवर की वीडियो देखी थी, वो भी ब्लश बहुत यूज करती है, उसे भी ब्लश बहुत पसंद है। हल्का सा मैं करूंगी अपनी स्किन को हाईलाइट। ओके, हाईलाइट हमेशा ऊपर वाले पोर्शन में किया जाता है, यहाँ पे ब्लश और यहाँ पे कॉन्टोर। मेरी थोड़ा सा, मैं अपने वेट को थोड़ा सा कम कर रही हूँ, सो मेरा स्किन वही, मेरा फेस का जो है ना सीन ये हो गया है कि अब वो धीरे धीरे खुद ही शेप में आ रहा है, तो मुझे कॉन्टोर करने की बहुत ज़्यादा नीड नहीं है, बट मैं कॉन्टोर करूंगी अपनी इस वाले पोर्शन को, कॉन्टोर ब्रश निकाल लेती हूँ मैं। वेट, कॉन्टोर ब्रश हमारा ये रहा, ये होता है कॉन्टोर ब्रश, हल्का सा जो शार्प होता है, ये देखो हल्का सा जो ये शार्प चीज आती है ना, इसकी ये चीज जो शार्प होती है ना, ये होता है कॉन्टोर ब्रश, इसको लेना है मुझे, इस वाले एरिया को कॉन्टोर करना है बस। जिससे हमारा ये चीज जो है ना ये प्रॉपर दिखे, ये चीज मुझे बस कॉन्टोर करनी है, हल्का सा यहाँ पे लगाना है, इससे जो हेयर्स में मेरे फाउंडेशन पहुंच जाता है हम लोगों की, वो नेचुरल लगने लग जाए। ओके, नेक तो मेरी शार्प है, तो मुझे इतनी ज़्यादा नीड नहीं है नेक की, क्योंकि मैं अभी तो मुझे ऐसा कुछ हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं मेक श्योर मैं कुछ अगर लहंगा वहंगा वेयर करती हूँ, तो मैं अपनी नेक को शार्प करती हूँ, नॉर्मली मैं टॉप पहनती हूँ, तो मैं कुछ भी अपना कुछ शार्प नहीं करती, बस यहाँ पे हल्का सा कर लेती हूँ, जिससे फोटोज जब लो तो ये हल्का सा जॉ लाइन है ना जो कुछ शार्प आए, बस डन, मेरा मेकअप हो गया है डन, बहुत लाइट मेकअप किया है मैंने। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और आपको ये मेरा लाइट शटर मेकअप कैसा लगा प्लीज़ मुझे कॉमेंट करके बताना। अब मैं अपनी हेयर करूँगी, हेयर ड्राई करूँगी थोड़ा और अपना हेयरडो बनाऊंगी, उसके बाद मैं अच्छे से रेडी वेडी होके जाऊंगी अपने शॉपिंग पे, जिसे कुछ अच्छा सा और परचेज करके आऊं और कुछ लेते हैं। सो कैसी लगी है, फिट ही? अभी तो मैं अपने हेयर को सेट करूंगी, स्ट्रेट करूंगी और फिर हल्का सा कर्ल मारूंगी नीचे से। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, मुझे कमेंट करके बताना आपको मेरा ये डिजिटल मेकअप कैसा लगा, और मेरी वीडियोस कैसी लगी आपको, तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, आपको मुझे मेरा आई मेकअप कैसा लगा वो भी मुझे कमेंट करके बताना, और मिलते हैं फिर नई एक वीडियो के साथ, तड़कती उड़कती वीडियो के साथ। बाय एवरीवन, आई लव यू गाइस, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, और प्लीज मुझे कमेंट जरूर करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और मुझे बताना जरूर कि जो है मेकअप आपको कैसा लगे, और आपको किस चीज़ पे और मेकअप देखना है वो भी मुझे कमेंट करके बताना। डेफिनेटली मैं कोशिश करूँ कि उस चीज़ पर मैं मेक श्योर वीडियो जरूर बनाऊँ।